हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष मिश्रा। बीपीयूटी के तरफ से दो इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है, सो उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना। न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। सो बीपीयूटी के तरफ से कल दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया था, उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट नोटिस था रिसीविंग ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ 2020-21। सो जो स्टूडेंट लोग 2020-21 में पास आउट हुए हैं, उन लोगों के लिए डिग्री सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल हो चुका है। अगर तुम्हारा दोस्त लोग है और सीनियर लोग है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, सो उन लोगों को भी जान सके कि उन लोगों का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट जो वो आ चुका है, वो रिसीव कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन क्या है, इट इज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और ऑटोनोमस भुवनेश्वर फॉर स्टूडेंट्स पास आउट इन द ईयर 2020-21 आर अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी। सो जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी मतलब बीपीयूटी राउरकेला में अवेलेबल है। द कॉलेज इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द सेम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑन डेटेड 23-2023। सो इसको तुम डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते हो, कॉलेज के थ्रू से तुम रिसीव कर सकते हो। कॉलेज 23-2023 से बिफोर रिसीव करना चाहिए। आज है 17, सो और 3 दिन है, कॉलेज रिसीव कर सकता है बाय डिपॉजिटिंग द फीस। जो तुम लोगों का जो सर्टिफिकेट के लिए जो फीस है बीपीयूटी का रूल एंड रेगुलेशन में, through NEFT RTGS in BPUT examination fund amount account number, this account number में college deposit करके तुम लोगों का degree certificate receive कर सकता है। और तुम लोगों ने 20 के बाद college जाकर जो भी तुम्हारा amount है देकर तुम लोग ले सकते हो। तो तुरंत college से contact करो। So अगर तुम्हारा 2020 and 2021 में degree certificate receive नहीं किए हो, तो the copy of deposit slip has to be submitted at the university along with the authorization letter. So वो कॉलेज का काम है। The details of the certificate are given below. कितना सर्टिफिकेट है, BTech student 764 सर्टिफिकेट से, MTech student लोग के लिए 184, MSc के लिए 54, B plan के लिए 43, MCA के लिए 31, M plan के लिए 11, BSc के लिए 01, so total 1088 नंबर स्टूडेंट लोगों का सर्टिफिकेट आ चुका है। सो प्लीज दोस्तों में से शेयर कर दो। तुम्हारे जो सीनियर लोग है 2021 पास आउट स्टूडेंट लोग है, शायद वो अभी चैनल में नहीं होंगे, और कुछ लोग है तो फिर दोस्तों में से जरूर शेयर कर लेना। सो यही था इम्पोर्टेंट अपडेट। और एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट आया है बीपीयूटी की तरफ से, वो भी बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो वो भी 16 को आया है, 16-3-2023, मतलब कल। इश्यू ऑफ ग्रेड शीट डुप्लीकेट और नेम करेक्शन, इश्यू ऑफ ग्रेड शीट। सो ग्रेड शीट मतलब तुम्हारा जो मार्कशीट है, ओके, दैट मे बी डुप्लीकेट। कुछ स्टूडेंट शायद डुप्लीकेट अप्लाई किए थे, उन लोगों का खो गया था और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था, डुप्लीकेट और नेम करेक्शन। उन लोगों का अगर नेम में प्रॉब्लम था, वो करेक्शन होकर आ चुका है। सो इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द ग्रेड शीट दैट इज डुप्लीकेट और नेम करेक्शन केसेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस आर रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। द कॉलेज आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द सेम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एट द अर्लीस्ट। सो जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है, ग्रेड शीट है, वो तुम डायरेक्ट रिसीव नहीं कर सकते हो, तुमको कॉलेज के थ्रू से जाना पड़ेगा। कॉलेज उसको पहले रिसीव करेगा, जो भी अमाउंट है अकाउंट नंबर दे चुका है उसको कॉलेज रिसीव करेगा। तुम कॉलेज को जाकर तुम्हारा ग्रेड शीट और डिग्री सर्टिफिकेट और रिसीव कर सकते हो। द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स कॉलेज वाइज आर गिवेन द लिस्ट इनक्लोजर। सो डिटेल में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे देता हूँ, तुम लोग उसको कलेक्ट कर सकते हो। देखो 104 है कॉलेज को, कॉलेज नेम है जी सी क्योंझर, रजिस्ट्रेशन नंबर रुद्रनारायण साहू, डुप्लीकेट ग्रेड शीट, ओके, नेम करेक्शन जी सी क्योंझर, दुर्गा प्रसाद नायक, 17 बैच का स्टूडेंट जो 2021 में पास आउट हुए होंगे, नेम करेक्शन ग्रेड शीट। सो तुम लोग थोड़ा सा चेक कर दो, नीस्ट ब्रह्मपुर,
बीआईटी भद्रक, किस्ट भुवनेश्वर, एसआईटी भुवनेश्वर, जीआईटी गुणपुर, जे ओसी भुवनेश्वर, आशुतोष स्वाई नेम करेक्शन, किस्ट भुवनेश्वर, विश्वजित परिडा डुप्लिकेट ग्रेड सीट, ईस्ट पीसीए राउरकेला, पीआईटी राउरकेला, सीबी भुवनेश्वर, केईसी भुवनेश्वर, बीसीटी बालेश्वर। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का आ चुका है, थोड़ा दोस्त में से प्लीज शेयर कर दो इस वीडियो को। सीबीआरसी भुवनेश्वर, जीआईएम भुवनेश्वर डुप्लीकेट ग्रेड सीट, नीस भुवनेश्वर, एनएमआईटी गीता, टैट भुवनेश्वर, टैट डीसीपी कटक रविनारायण पंडा पेंडिंग ग्रेड सीट, जीसी भुवनेश्वर, जीसी भुवनेश्वर, आरईसी भुवनेश्वर, पीएमसीए कटक, एनआईटी भुवनेश्वर, गिफ्ट 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 वीआईटीएम, मेम्स बालेश्वर, देन केआईटी ब्रह्मपुर, बीडीसीईटी झारसुगुड़ा, एसआईटी भुवनेश्वर, बीईसी भुवनेश्वर, एटीएम, जीआईटी एचसी स्टार, एससी अनुगुल, जे आई टी एम एम आई टी, सो 99 कॉलेज लोगों का अवेलेबल है। 1 to 99 सीरियल नंबर देख सकते, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तुम लोगों को डेफिनेटली हेल्प होगा। ओके, सो यही था 2 इम्पोर्टेंट नोटिस। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को मिलता रहेगा। सो जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट मुझे अभी पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, उनके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, आज हो या कल हो, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं थोड़ा एनालिसिस करके दे दूंगा। और जो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट है, उन लोगों का जो शेड्यूल आया है, उन लोगों का शेड्यूल नहीं है, मुझे कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कॉलेज, वाई नहीं है मुझे तो पता नहीं है एग्जैक्टली, तो थोड़ा कॉलेज को कॉन्टैक्ट करो, मे भी बाई मिस्टेक हो सकता है या सेकेंड फेज में नहीं आ रहे, वो थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज में हूँ, तो थोड़ा कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर दो, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है उसमें बी फार्मा नहीं है, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा तुम कॉन्टैक्ट करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं फिर बताऊँगा। अगर तुम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व सॉर्ट आउट हो गया तो फिर मुझे थोड़ा मैसेज कर देना कि सर ये प्रॉब्लम था, सॉर्ट आउट हो चुका है। सो यही था इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।